तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। तो फाइनली गाइस, आज हमारी गेम के अंदर एक नया इवेंट आ चुका है जिसका नाम होने वाला है भाई इवो बोनंजा इवेंट। एंड गाइस, ये एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें हमें सारे गन्स के इवो टोकन मिल जाते हैं, जितने भी इवो गन्स उसके सारे टोकन मिल जाते हैं। और यहाँ पर गाइस हमें काफी ज्यादा भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिल जाता है एंड काफी बंदे इस प्लेयर का वेट भी करते हैं ये वाले इवेंट का। तो चलो फटाफट इसके अंदर चलते हैं एंड फटाफट गाइस अपने गन्स को अपग्रेड करते हैं, मैक्स करते हैं। ओके, तो गाइस अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है और आप लोग म्यूजिक सुन सकते हो। भाई क्या ही मतलब मस्त म्यूजिक लगा रखा है। चलो मैं इसको पहले फिलहाल बंद कर देता हूँ यहाँ पर म्यूजिक को, और यहाँ पर गाइस देखते हैं कि क्या कुछ सीन होने वाला है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा यूआईडी है, मेरे पास 1409 डायमंड पड़ा है। और गाइस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास इवो गन्स अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर, जितने भी हमने इवो गन्स को निकाले हैं उसके लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं भाई। लाइक जैसे देखो, यहाँ पर मेरे पास M10 मैंने निकाला था, तो यहाँ पर देखो M10 आ गया, इसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ से टोकन खरीद के। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो, जो जो अपने पास गन्स की स्किन नहीं रहेगी वहाँ पर देखो सब ब्लर रहेगा। ठीक है, मतलब ये सब अपने काम कर नहीं, तो ये सब ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला ओपन हो रहा मेरा, और यहाँ पर देख सकते हैं AK-47 का भी हमारे पास पड़ा है ये वाला स्किन, वो वाला, तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कोबरा MP40 की बात की जाए, ये भी मेरे पास पड़ा है। एंड ये वाला देख सकते हैं वुड पिकर पड़ा है मेरे पास, तो ये सारे गन्स मेरे पास पड़े हैं, तो इसको मैं मैक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं एक को चूज कर लेता हूँ एंड उसको गाइस अपग्रेड करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ सीन होने वाला है अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं M10 गाइस मेरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 लेवल का है। तो चलो गाइस इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं 4 लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग 1x लेंगे तो यहाँ पर हमें 10 डायमंड का होता है, पर गाइस यहाँ पर हमें 5 ही डायमंड का मिलेगा, मतलब 50% का डिस्काउंट इसमें। ठीक है, और वैसे गाइस यहाँ पर अगर हम लोग 5 टोकन लेंगे इसका तो यहाँ पर हमारा होता है 30 डायमंड का, बट गाइस हमें यहाँ पर 20 डायमंड का मिलेगा, मतलब है ठीक ठाक ही है। तो चलो गाइस फटाफट मैं पहले बाय कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को इसको अपग्रेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं 5 डायमंड का। ओके, यहाँ पर देखो मुझे 1x मिल गया इसका एंड अभी ओके करते हैं। एंड गाइस उसके बाद ये वाला करते हैं। ठीक है, ये होने वाला 30 डायमंड का। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं 30 डायमंड का ले लेता हूँ, 5 टोकन मुझे और मिल गया यहाँ पर ग्रीन फ्लेमो का, यहाँ पर 5 टोकन मुझे और मिल गया। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर हम लोग खरीदते हैं, अभी यहाँ पर गाइस हम लोग 10 टोकन खरीदते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 टोकन जो वो 100 डायमंड का होने वाला है, बट गाइस यहाँ पर हमें मिलेगा 75 डायमंड का। ठीक है, बस मतलब ये गाइस इसका ऐसा कुछ सीन होने वाला है कि जितना इधर स्टार्टिंग रहेगा उतना तगड़ा डिस्काउंट रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा और लो, फिर उसके बाद थोड़ा और लो एंड उसके बाद थोड़ा सा और लो। ठीक है, मतलब जितना हम लोग पीछे जाएंगे उसका डिस्काउंट जो है वो कम होता रहेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं लेता हूँ अभी 75 डायमंड का, यहाँ पर 10x। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फटाफट इसको परचेस कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे मिल गया है 10x। ठीक है, इवो का टोकन। एंड गाइस लास्ट में हम लोग करते हैं यहाँ पर 170 डायमंड का, यहाँ पर 20x। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं इसको भी कर लेता हूँ फटाफट परचेस। एंड अभी गाइस हम लोग करते हैं इसको अपग्रेड। भाई अपग्रेड कैसे होगा यार, ये तो सिर्फ मेरे पास 36 ही टोकन हुआ, तो यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए हमें 120 टोकन चाहिए ना, और यहाँ पर टोकन भी बहुत कम मिल रहा है। एक सेकंड में कट करके देखता हूँ अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चलते हैं फटाफट अपने वीपन सेक्शन में एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर चलते हैं इवो गन्स में। M10 ये रहा M10 एंड इसको अपग्रेड पे क्लिक करते हैं। अच्छा हाँ यार, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 टोकन ही हुआ और हमें गाइस अपग्रेड करने के लिए चाहिए 120, तो यहाँ पर तो कम मिल रहा है ना, मतलब और हम कहाँ से लाएं। देखो यहाँ पर तो पहली बात जो क्वांटिटी दे रहा है वो क्वांटिटी ही कम है, गरीना को और देना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे डिस्काउंट है, तो मतलब अगर हम लोग सारे परचेस करें तो एक लेवल भी अपग्रेड नहीं कर सके, तो फिर कौन सा इवेंट हुआ यार। यहाँ पर वैसे कितना मिला है यार, यहाँ पर देखो 20+10 ये हो गया 30 एंड 35, 36 टोकन सिर्फ मिला यार मुझे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 36 टोकन अगर हमको इस इवेंट के अंदर से मिल रहा है तो हम अपग्रेड कैसे करेंगे ये बताओ आप लोग। तो चलो गाइस इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा बैक करते हैं एंड दूसरा जो है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमारा एक लेवल, कम से कम एक लेवल तो अपग्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अभी भी 1229 डायमंड पड़ा है एंड यहाँ पर गाइस हमें चाहिए 240 टोकन। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा इस इवेंट के अंदर से 70+50 ये हो जाएगा 120 और 10 130 और 35 165, तो ये भी मैक्स नहीं होगा यार फिर तो। इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टोकन है ये बहुत ही कम मिल रहा है इस इवेंट के अंदर, तो मतलब क्या होगा यार, यहाँ पर टोकन तो और देना चाहिए ना गरीना को, एटलीस्ट कम से कम हम एक लेवल तो अब कर सके ना, इतना सारा टोकन मिलना चाहिए हमें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर हम ये पूरा परचेस करेंगे तो हमारा होगा 350 डायमंड प्लस 225 एंड 140 और 30, मतलब सब कुछ मिला के इतना सारा डायमंड लगेगा एंड उसके बाद भी यहाँ पर एक लेवल अप नहीं होगा, तो फिर मतलब ही क्या होगा यार इतना सारा डायमंड लगा के। चलो गाइस अभी मैं दूसरा कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा इस इवेंट के अंदर। तो चलो मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग में हमें क्या है बहुत तगड़ा डिस्काउंट दिया है,
तो उसको हम लोग फटाफट समय से ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो जो हमारा फर्स्ट वाला है इसमें देखो हमें भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा, जैसे 100 डायमंड के अंदर हमें मिलने वाला था यहाँ पर 10x पर हमें 30 डायमंड में ही मिल रहा है। तो चलो ये वाला मैं ले लेता हूँ फटाफट, ठीक है, ये क्योंकि तगड़ा डिस्काउंट होने वाला है। अब देखो स्टार्टिंग में तगड़ा दिया था, अभी सेकंड में थोड़ा सा उससे हाफ कर दिया, यहाँ पर 350 डायमंड की जगह पर यहाँ पर 140 कर दिया, तो ये भी काफ़ी ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी मैं इसे ले लेता हूँ, ओके चलो यहाँ पर भी मैंने ले लिया। अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 500 डायमंड की जगह यहाँ पर 225 डायमंड मिल रहा है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलो इसको भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने 50 टोकन और ले लिया, काफ़ी शानदार। अभी गाइस यहाँ पर हमें मिलेगा 350 का, ठीक है, जो होने वाला था 700 डायमंड का वो हमें मिला 350 का, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा हाई इसका है। एंड अभी हम चलते हैं गाइस यहाँ पर नॉट एन अदर वन एंड ओनली AK ब्लू फ्लैम ड्रैगो, जो कि ये काफ़ी फेवरेट है, मुझे पता है बहुत सारे बंदों का। तो गाइस इसको हम लोग करते हैं मैक्स कर देता यार मैं इसको, मतलब मैं सभी सोच रहा था कि एक एक लेवल कम से कम सबका अपग्रेड करूंगा, पर यहाँ पर टोकन ही बहुत कम दिया गया है। देखो मतलब ऐसा इवेंट अगर लाता है तो इसे टोकन इसका डबल देना चाहिए, एटलीस्ट बंदा एक लेवल का कर सके या फिर 2 से 3 लेवल भी कर सके अगर जिसके पास डायमंड ज़्यादा पड़ा है, ऐसा इवेंट लाना चाहिए। चलो कोई ना गाइस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहला, यहाँ पर ले लेता हूँ 30 डायमंड का, एंड मुझे यहाँ पर मिला है 10x, जो कि काफ़ी शानदार बात है। और इसी तरह से गाइस यहाँ पर मैं नेक्स्ट वाला ले लेता हूँ 140 डायमंड का, जो कि हमें इसमें अच्छा खासा इसमें भी डिस्काउंट मिला है, जो कि हमारा होने वाला था 350 डायमंड का, बट हमें मिला 140 डायमंड का, ओके। एंड उसके बाद गाइस हम लोग लेते हैं यहाँ पर 50 टोकन, एंड इसमें भी हमें अच्छा डिस्काउंट मिला है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर ओके करते हैं, एंड लास्ट वाला हमें लेना पड़ेगा 350 का, ठीक है। तो चलो ये वाला थोड़ा हाई है तो इसे हम लोग छोड़ते हैं, एंड उसके बाद गाइज हम लोग चलते हैं वुड पिकर के अंदर, ठीक है। वुड पिकर गाइज यहाँ पर मेरा 4 लेवल का, इसे हम लोग 5 लेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैंने ले लिया 10x, एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ जो कि हमें मिलेगा 140 का, ठीक है। और यहाँ पर 35 टोकन है, जो कि मतलब काफ़ी सारा है। चलो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, गाइज मैं ये सारा खरीद लेता यार, बट अभी देखो खरीदने के बाद क्या होगा, हमारा एक भी लेवल अप नहीं हो पाएगा, तो मतलब क्या होगा यार खरीद के पूरा इतना सारा डायमंड लगा के, समझे। ऐसा इवेंट आता है जिसमें अगर डायमंड लगाओ और आपका काम भी हो जाए, मतलब जो आप चाहते हो वो आपका हो जाए, तो वो सही है ना फिर। एंड इसके अलावा यार मेरे पास वो था, क्या बोलते हैं, बुइया MP40 था, पर वो दिख नहीं रहा है, वो नहीं आया क्या, नहीं सॉरी बुइया UMP है, ठीक है, बुइया UMP मैंने, देखो मैं एक सेकंड मार्बल को दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो आप लोग इसे कट करते हैं, देखो यहाँ पर मेरे पास वीपन में आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बुइया UMP भी मैंने निकाल रखा, पर वो दिखा क्यों नहीं रहा। देखो ये वुड पिकर तो सही है, वो तो शो हो रहा है वहाँ इवेंट के अंदर। एंड उसके अलावा गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास UMP ही है, बुइया का UMP है, एंड इसे अपग्रेड में कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरा 3 लेवल का है, बट गाइज वहाँ पर इवेंट के अंदर शो ही नहीं हो रहा यार ये। एंड उसके अलावा एक्समेट भी है, एक्समेट भी नहीं शो हो रहा था, एंड और हाँ ये दो गन शो ही नहीं हो रहा था, एक्समेट एंड बुइया UMP, ठीक है, ये दोनों गन इसके अंदर शो ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे गन होने चाहिए इसके अंदर, देख सकते हैं आप लोग है ही नहीं, ठीक है, इतना मैं देखूँ यार है ही नहीं। तो चलो गाइज इसके अलावा और देखो कोई टोकन ले सकता हूँ क्या मैं, एंड किसी का टोकन ले सकते हैं, नहीं यहाँ पर है 350 का, तो चलो यहाँ पर देखूँ मैं इसका एक इसका M10 का, इसका तो हमने सारा ले लिया ना, ये तो मतलब कंप्लीट हो गया ये। तो गाइज इसका मतलब यही फंडा होने वाला है कि आपको मतलब जो भी इवो गन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एंड उसको क्या करना है आप लोग को ये खरीदना है, ठीक है, बस ये ऑफर में है। वैसे गाइज अगर मैं सही बताऊँ तो ये क्वांटिटी काफ़ी कम है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑफर नाम होता है डिस्काउंट इवेंट का, तो बंदे को खुश हो जाना चाहिए, ऐसा डिस्काउंट इवेंट होना चाहिए, उतना भी खास इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें मेरा एक भी लेवल अप हुआ नहीं, इसके लिए मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 1400 डायमंड था, मैं यहाँ पर पूरा फिनिश कर दिया हूँ, पर किसी का मैं अपग्रेड नहीं कर पाया, रीज़न क्या ये था, रीज़न ये है कि यहाँ पर टोकन जो है वो गरेना काफ़ी कम क्वांटिटी में रखा है, एंड इतना कम रखा है कि अगर आप उससे चाहें आप पूरा परचेस करने के बाद एक लेवल भी अप नहीं कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से मैं इसको ख़राब इवेंट भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि गाइज बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना, जो भी इवेंट के अंदर आ रहा है अगर इवेंट के अंदर अपना डायमंड खर्चा कर रहा है तो वो कम से कम सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भाई चलो मैंने यहाँ पर लगाया, एंड मुझे पता था कि इसको लगाने के बाद ऐसा सीन होने वाला है, और चलो मेरा जो विश था वो पूरा हो गया, मैंने डायमंड दिया तो गरेना ने मेरा जो इवो गन था वो अपग्रेड कर दिया, ऐसा होता है ना। अब देखो यहाँ पर जो इवेंट आया उससे एक भी बंदे का लेवल अप नहीं हो रहा था, क्या मतलब यार। वैसे मैंने काफ़ी सारा टोकन तो यहाँ पर मैंने क्लेम कर लिया बाय द वे, पर मैक्स नहीं कर पाया ना क्योंकि वहाँ पर टोकन कम मिल रहा था। तो गाइस यही था इवेंट का फंडा, मतलब हमें क्या करना है, हमें तो गाइस हमें क्या करना है, देखो वहाँ से हमें क्या करना है, टोकन को बाय करना है,
एंड बाय करने के बाद गाइज अगर हमारा यहाँ पर टोकन फुल हो जाता है तो हमें सिंपली अपग्रेड कर देना, अगर नहीं होता है तो भाई फिर नेक्स्ट इवेंट का वेट करना है। तो यही था गाइज इस इवेंट का फंडा। आई होप गाइज आज की वीडियो आप लोग को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दो वीडियो लगा दूंगा, तो प्लीज आप लोग उसे जाकर जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आप लोग से उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।